खनियाधाना पुलिस द्वारा आज व कल मिलाकर कुल 4.5 किलो सूखा गांजा व एक स्कूटी कुल कीमती 3,50,000 किया बरामद। नवागत पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ रखने व विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया तथा जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के पालन में खनियाधाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर से आरोपी गंगू पुत्र नन्नू केवट उम्र 45 साल निवासी ग्राम सिलपुरा नई बगिया के कब्जे से 2 किलोग्राम सूखा गांजा जिसकी अंतर्राज्यीय कीमती 1,00,000 रुपए अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी गंगू केवट के द्वारा बताया कि करीब पिछले 1 वर्ष से गांजे का धंधा कर रहा हूं। अभी तक आरोपी गड़ों के कब्जे से कुल 4.5 किलो गांजा एवं एक एक्टिवा स्कूटी कुल कीमती 3,00,000 रुपए का माल बरामद किया जा चुका है तथा सप्लाई की चैन को ध्वस्त किया गया है। अन्य सप्लायरों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अरे गांजे के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई? कल दिनांक 1/4/23 को मुखबिर की सूचना पर से आरोपी गंगू केवट निवासी सरपुरा को मैं 2 किलो गांजा के गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे ये गांजा सप्लाई प्राण सिंह लोधी उसका साला कल्याण लोधी निवासी मनपुली का सप्लाई करता है तथा स्कूटी से लेकर आता है। उक्त सूचना के आधार पर प्राण सिंह और कल्याण सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2.5 किलो गांजा और जिससे सप्लाई करता था उस स्कूटी को जब्त किया गया है। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जितनी भी चैन है सप्लाई की उसको नष्ट किया जाएगा। इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है।